हम YouTube पे चैनल बनाते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हम 5 साल से YouTube पे काम कर रहे हैं लेकिन हमारा चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, ना ही इस पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही वॉच टाइम बढ़ रहा है, ना ही चैनल की कोई ग्रोथ दिख रही है और व्यूज भी नहीं आते हैं। बहुत ही ज़्यादा निराशा के साथ वो पूछते हैं कि अब हम क्या करें, इस चैनल को कंटिन्यू करें या फिर नहीं करें, हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप पहले से ही पता कर लीजिए कि आपका चैनल ग्रो होगा या फिर नहीं होगा, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं आपका चैनल ग्रो होगा या फिर नहीं होगा, आपको अपने चैनल को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। ये सेंटेंस मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने चैनल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है कि YouTube पे अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिख रही है तो ऐसे चैनल को चला के कोई फायदा नहीं होता है। YouTube 1 साल का टाइम आपको देता है कि आपको 1 साल में अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। हम 2, 3, 4 साल तक काम कर रहे हैं फिर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये चैनल ग्रो होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम कोई काम 6 महीने में कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमारे काम करने का जो इंटरेस्ट होता है और इम्प्रूव होते जाता है, लेकिन अगर वही काम जो 6 महीने में करना है हम 6 साल तक भी ना कर पाए, हम 3 साल तक भी ना कर पाए, 4 साल तक भी ना कर पाए, तो क्या होता है, धीरे धीरे काम करने की इच्छा तो ख़त्म हो ही जाती है, हम बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं, नए तरीके से हम कैसे काम करें ये भी हम नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हम वैसे ही दुखी हैं, परेशान हैं अपने चैनल को लेकर के। सबसे पहला जो चीज़ है मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने YouTube चैनल बनाया है तो आपको अपने चैनल को YT स्टूडियो में देख के ही पता चल जाता है। स्टार्टिंग में आपने चैनल बनाया था तब से लेकर के अगर 1 साल हो गया है तब तक में कोई ग्रोथ आपको दिखाई दी है, चाहे जैसे कि मैं अपने ही चैनल का एग्जांपल ले लेती हूँ तो 2 साल में मेरा चैनल जो है 0 सब्सक्राइबर से यहाँ पे 38, आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ 38,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। अब ये वीडियो जब अपलोड होगी तो हो सकता है सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो चेंज हो जाए। इसी तरीके से आप भी अपने चैनल पे सबसे पहले ये चेक करिए कि आपने जब चैनल बनाया था तब से लेकर के आज की जो डेट है आपको 1 साल हुए हैं या फिर 1.5 साल हुए हैं, 6 महीना हुआ है, उसमें आपके सब्सक्राइबर में कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है, व्यूज़ की ग्रोथ दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है, ये चीज़ तो आप ही अपने YT स्टूडियो में चेक कर सकते हैं, कोई और आपको चेक करके नहीं बता सकता है। लाइफ टाइम में जाइए, लाइफ टाइम में जा कर के देखिए कि जब आपने चैनल बनाया था सब कुछ 0 था, तब से लेकर के आज की डेट में लाइफ टाइम में आपके कितने व्यूज़ दिख रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर की ग्रोथ हुई है, वॉच टाइम कितना बढ़ा हुआ है, तो इससे अगर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके ग्राफ में तो आप समझ लीजिए कि आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, या फिर ग्राफ एकदम डाउन दिखाई दे रहा है, कुछ भी ग्रोथ ही नहीं हुई है वो भी आपको शो होगा, तब आप डिसाइड करिए कि क्या ये चैनल आपको चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चैनल्स ऐसे आते हैं जिसने 3 साल तक काम किया है, 4 साल तक काम किया है, 5 साल तक काम किया है और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे चैनल में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही वॉच टाइम, ना ही व्यूज़। तो अगर इस तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, खुद आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि क्या अब ये चैनल चलाना सही है या फिर नहीं है, आपको इस चैनल को छोड़ देना चाहिए या फिर इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब कमेंट्स आते हैं तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे टिप्स तो मैंने आपके साथ शेयर किए ही हैं, ये सारे टिप्स आप आजमाइए, अपने चैनल पे लगाइए तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, किस चैनल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ।
मान लीजिए आपके चैनल को बना करके 6-7 महीने हुए हैं या फिर 1 साल हो गया है और आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने ही वाले हैं, और बहुत से कमेंट्स मुझे आते भी हैं कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है लेकिन हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये भी चेक करिए क्या आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों पूरा होगा तो ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके चैनल को 1 साल हो गया है लेकिन आपके सब्सक्राइबर बस पूरे होने ही वाले हैं, पूरा हुआ नहीं है, या फिर वॉच टाइम पूरा होने ही वाला है पूरा हुआ नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने चैनल को कंटिन्यू करिए, वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब लास्ट 365 डेज को काउंट करता है। आप लोगों में से बहुत से लोग नए यूट्यूबर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारा टाइम पूरा हो गया है तो अब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब लास्ट 365 डेज काउंट करता है, तो आपका जब क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, वो जिस महीने से वीडियो बनाना शुरू किया है स्टार्टिंग का वो 1 महीना माइनस हो जाएगा, लेकिन लास्ट के जो 12 मंथ्स होते हैं उसे काउंट किया जाएगा और वहाँ से आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को काउंट करके यूट्यूब पे आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। पर वहीं पे अगर आपके चैनल को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया है लेकिन दूर दूर तक अभी तक आपके 1000 सब्सक्राइबर के करीब भी नहीं पहुंचा है, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, तब तो आपको ऐसे चैनल को छोड़ना चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि ऐसे चैनल पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप नया चैनल बना के नई शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अब आती है नेक्स्ट चीज़। मान लीजिए कम व्यूज़ आ करके किसी तरीके से रगड़ करके आपने अपने चैनल पे सब कुछ पूरा कर लिया है, चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन आपके अब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 40, 50, 100 इस तरीके से अगर आपकी वीडियोस में व्यूज़ आते हैं तो ऐसा चैनल भी मोनेटाइज होके कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो भी बताती हूँ क्यों। तो आप ये चीज़ भी समझ लीजिए कि ऐसे व्यूज़ अगर आपके आते हैं चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी, तो भी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि 40-50 व्यूज़ में कुछ नहीं होने वाला है। आपकी वीडियोस में कम से कम 2-3 हज़ार तक व्यूज़ हर वीडियो में आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे तो ही आप अपने चैनल से इनकम कर सकते हैं, नहीं तो फिर ना के बराबर इनकम है। अब ये जो है YouTube की रियलिटी, इस पे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन न्यू यूट्यूबर्स को अगर मैं समझाने जाऊँ तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी में भी इसे ले लेते हैं बात को। कोई भी चीज़ मैं समझा रही हूँ आपको डीमोटिवेट करने के लिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। तो अब व्यूज़ यहाँ पे आपको बढ़ाना होगा अगर आपको अच्छी खासी इनकम करनी है, तो व्यूज़ आप कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर तो मैंने बहुत सी वीडियोस शेयर की हुई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और वो जो सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने चैनल पे, वो सारे के सारे वो टिप्स हैं जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है और अभी भी धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है। तो आपका चैनल भी ज़रूर ग्रो होगा अगर आप उन टिप्स को अपनी चैनल पे अप्लाई करते हैं तो, कि अच्छे व्यूज़ आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इनकम ना के बराबर मिलने वाली है, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार इस तरीके से इनकम मिलेगी। आप खुद सोचिए कि YouTube ने अगर आपको टाइम दिया हुआ है 365 डेज का, 12 महीने का, 1 साल का, और उसमें आपको 2 क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, और अगर आप वो क्राइटेरिया 1 साल के अंदर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको जिस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पे काम कर रहे हैं करना चाहिए या फिर उस काम करने के तरीके को बदल देना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट्स बाद में ये आने लगते हैं कि आपकी बातें सुन के हम डीमोटिवेट हो गए हैं। जी नहीं, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने काम करने का तरीका
तरीका बदलिए। अगर आप 2024 में अपने काम करने का तरीका बदलेंगे, इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, चाहे वो वीडियो की शूटिंग हो, वॉइस ओवर हो, एडिटिंग हो, या फिर आप किस तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसी से डिसाइड होगा कैसा थंबनेल बना रहे हैं, उसी से डिसाइड होगा कि आपका चैनल ग्रो होगा या फिर नहीं होगा। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको इन 6 बातों पे ध्यान रखना ही रखना है, तभी जाके आपका चैनल ग्रो हो पाएगा। तो आपको इन 6 चीज़ों पे काम करना ही करना है। और YT स्टूडियो में आप खुद चेक करिए कि क्या आपको जब आपने चैनल बनाया था तब से आज लाइफ टाइम में चेक करिए ग्रोथ दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो क्यों नहीं दिख रही है, वो भी YT स्टूडियो में ही शो होता है। आप उसे इम्प्रूव करिए, सुधारिए। कभी कभी ऐसा होता है जो कैटेगरी हम सोचते हैं, जो हम सोच करके आते हैं यूट्यूब पे कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, इस कैटेगरी में काम करेंगे और अपने चैनल को ग्रो करेंगे, वो चीज़ ना हो करके कुछ और ही हो जाती है। और कभी कभी आपकी ऑडियंस डिसाइड करती है कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है। अगर आप मेरे इसी चैनल पे जा करके मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ये चैनल कभी भी यूट्यूब टिप्स रिलेटेड चैनल नहीं था। ये चैनल प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड था और इस पे मैं प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस डालती थी, अगर आप स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे तो। लेकिन मेरी एक वीडियो अपलोड करने के बाद ऑडियंस ने उसमें इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि मुझे अपना कैटेगरी ही चेंज करना पड़ा। मैं प्रोडक्ट रिव्यू या फिर क्लोथ रिव्यू इस चीज़ से बदल करके मैंने अपने टॉपिक को कुछ और ही बना दिया और वो था YouTube रिलेटेड टिप्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम इस फील्ड में काम करेंगे, इस कैटेगरी में काम करेंगे और अपने चैनल को ग्रो करेंगे, वो नहीं हो पाता है। हमें कोई और कैटेगरी, कोई और फील्ड भी ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि इसमें चैनल की ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन दूसरी कैटेगरी में आप करने लगे हैं तो उसमें ग्रोथ हो जाए। लेकिन ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप जो चैनल आपका बिल्कुल डेड हो गया है, फ्रीज़ हो चुका है और बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, उसमें परेशान रहने से अच्छा, उसमें उलझे रहने से अच्छा कि आप कुछ और ट्राई करिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए अच्छी और हेल्पफुल रही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।